हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन चैनल बॉटनी बाय डॉक्टर जसविंदर कौर। आज मैं एक नई सीरीज़ आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट एडोफाइट्स एमसीक्यूज़। ये सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट स्टार्ट। टेडोफाइट्स एज ए ग्रुप डिफर फ्रॉम ब्रायोफाइट्स हैविंग। टेडोफाइट्स ग्रुप जो है ब्रायोफाइट्स से कैसे डिफरेंट है? प्रेजेंस ऑफ वास्कुलर टिश्यू, प्रेजेंस ऑफ स्पोर्स, मोटाइल स्पर्म, प्रेजेंस ऑफ आर्किगोनिया। करेक्ट आंसर इज प्रेजेंस ऑफ वास्कुलर टिश्यूज। वास्कुलर टिश्यूज जो है इसमें प्रेजेंट होते हैं। क्लब मॉस इज द कॉमन नेम ऑफ। क्लब मॉस किसका कॉमन नेम है? स्लेजिनेला, लाइकोपोडियम, मार्सीलिया या इक्विसिटम। करेक्ट आंसर इज लाइकोपोडियम। क्लब मॉस जो कॉमन नेम है लाइकोपोडियम का है। द ब्राउन कलर्ड आउटग्रोथ एग्जिस्टिंग ओवर द पिटियोल एंड राइजोम ऑफ फर्न इज नोन एज। ब्राउन कलर की जो आउटग्रोथ होती है पिटियोल और राइजोम में फर्न्स के, उसे हम क्या बोलते हैं? पिन्ना, स्केल लीफ, स्केलिंग या रिमेंटा। करेक्ट आंसर इज रिमेंटा। विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिडोफाइट शोज द क्लोरोप्लास्ट हैविंग पायरेनॉइड्स। इनमें से कौन सा टेरिडोफाइट है जो क्लोरोप्लास्ट शो करता है जिसमें कि पायरेनॉइड्स प्रेजेंट हैं? इक्विसिटम, स्लेजिनेला, टेरिडियम या मार्सीलिया। करेक्ट आंसर इज स्लेजिनेला। स्पोरेंजियम डेवलपिंग फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ सुपरफिशियल स्पोरेंजियल इनिशियल्स इज कॉल्ड। जब स्पोरेंजियम डेवलप होता है एक ग्रुप ऑफ सुपरफिशियल स्पोरेंजियल इनिशियल से, तब हम उसे क्या बोलते हैं? यूस्पोरेंजिएट, लेप्टोस्पोरेंजिएट, यूनिस्पोरेंजिएट या मीजोस्पोरेंजिएट। करेक्ट आंसर इज यूस्पोरेंजिएट। हिट्रोस्पोरी हैज बिन रिपोर्टेड इन। हिट्रोस्पोरी किसमें रिपोर्ट की गई है? लाइकोपोडियम, स्लेजिनेला, इक्विसिटम या ओफियोग्लॉसम में। करेक्ट आंसर इज स्लेजिनेला। हिट्रोस्पोरी स्लेजिनेला में रिपोर्ट की गई है। फर्न गैमेटोफाइट इज। फर्न का गैमेटोफाइट कैसा है? मल्टी सेलुलर थैलस, लीवर शेप्ड थैलस, यूनिसेलुलर कलरलेस, फिलामेंटस, मल्टी सेलुलर ग्रीन। करेक्ट आंसर इज मल्टी सेलुलर थैलस। फर्न का जो गैमेटोफाइट है वो मल्टी सेलुलर थैलस होता है। फर्न प्रोथैलस डेवलप्स फ्रॉम। फर्न का जो प्रोथैलस है वो किससे डेवलप होता है? स्पोर्स से, स्पोर मदर सेल्स, जायगोट या नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज स्पोर्स। फर्न का प्रोथैलस स्पोर्स से डेवलप होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉपुलरली नोन एज मीडियन हेयर फर्न। मीडियन हेयर फर्न पॉपुलरली किसे बोला जाता है? गिंगो, निटम, लाइकोपोडियम या एडियंटम। करेक्ट आंसर इज एडियंटम। एन एग्जाम्पल ऑफ लेप्टोस्पोरेंजिएट फर्न इज। लेप्टोस्पोरेंजिएट फर्न का एग्जाम्पल क्या है? मार्सीलिया, लाइकोपोडियम, स्लेजिनेला या ड्रायोप्टेरिस, बोथ ए एंड डी। करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड डी, यानी मार्सीलिया और ड्रायोप्टेरिस दोनों ही लेप्टोस्पोरेंजिएट फर्न्स के एग्जाम्पल हैं। द स्मॉलेस्ट एक्वेटिक फर्न ऑफन यूज एज बायोफर्टिलाइजर इज। स्मॉलेस्ट एक्वेटिक फर्न जो कि बायोफर्टिलाइजर की तरह यूज किया जाता है वो हमें बताना है। लाइकोपोडियम क्लेवेटम, स्लेजिनेला रुपेस्ट्रिस, आइसोइटीज इंडिका या एजोला पिन्नाटा। करेक्ट आंसर इज एजोला पिन्नाटा। पॉलीस्टेलिक कंडीशन इज फाउंड इन। पॉलीस्टेलिक कंडीशन किस में पाई जाती है? लाइकोपोडियम, स्लेजिनेला, इक्विसिटम या मार्सीलिया। करेक्ट आंसर इज स्लेजिनेला। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट लैंड प्लांट। अर्लीस्ट लैंड प्लांट कौन से हैं इसमें से वो हमें बताना है। राइनिया, हॉर्निया, क्वाडाइटेज, कुक्सोनिया। करेक्ट आंसर इज कुक्सोनिया। कुक्सोनिया इज द अर्लीस्ट लैंड प्लांट। बोटैनिकल स्नेक्स आर। बोटैनिकल स्नेक्स इनमें से कौन है, किसको बुलाया जाता है? फंजाई, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स या लाइकन्स। करेक्ट आंसर इज टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स आर नोन एज बोटैनिकल स्नेक्स। फॉर ओरिजिन ऑफ प्लांट बॉडी इन टेरिडोफाइट्स टिलोम थ्योरी वॉज प्रपोज बाय। जो टिलोम थ्योरी है फॉर ओरिजिन ऑफ प्लांट बॉडी इन टेरिडोफाइट्स, ये किसने प्रपोज की थी ये हमें बताना है। ग्रू, बेले, जिमरमैन, हक्सले। करेक्ट आंसर इज जिमरमैन। टिलोम थ्योरी जिमरमैन ने प्रपोज की थी। विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिडोफाइट्स इज नोन एज हॉर्सटेल। इनमें से किस टेरिडोफाइट को हम हॉर्सटेल भी नाम से बुलाते हैं? राइनिया, स्लेजिनेला, इक्विसिटम या नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज इक्विसिटम। इक्विसिटम जो है उसको हम हॉर्सटेल भी कहते हैं। मार्सीलिया इज ए। मार्सीलिया क्या है? होमोस्पोरिक टेरिडोफाइट, हिट्रोस्पोरिक टेरिडोफाइट, नॉनस्पोरिक टेरिडोफाइट या सीडेड टेरिडोफाइट। करेक्ट आंसर इज हिट्रोस्पोरिक टेरिडोफाइट। मार्सीलिया इज ए हिट्रोस्पोरिक टेरिडोफाइट। अ प्लांट बियरिंग टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स इज टर्म्ड एज। ऐसा प्लांट जिसमें दो तरह के स्पोर्स पाए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? हिट्रोस्पोरस, सीड हैबिट, होमोस्पोरस या ऑल ऑफ दिस। करेक्ट आंसर इज हिट्रोस्पोरस।
जिसमें दो तरह के स्पोर्स पाए जाते हैं, ऐसे प्लांट्स को हम हेटरोस्पोरस बोलते हैं। जाइलम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ जेनरा पोजेस वेसल्स, इनमें से किस जेनरा में वेसल्स पाए जाते हैं वो हमें बताना है। मार्सीलिया, इक्विसिटम, स्लेजिनेला एंड टेरिडियम। मार्सीलिया, एम्बोरेला, टेरेस, ट्रोकोडेंड्रॉन, टेरिडियम एंड मार्सीलिया, एम्बोरेला, ट्रोकोडेंड्रॉन एंड इक्विसिटम। करेक्ट आंसर इज मार्सीलिया, इक्विसिटम, स्लेजिनेला और टेरिडियम। इस जेनरा के सेट में हमें वेसल्स मिलते हैं जाइलम में। ट्रबेक्यूलेई इन स्लेजिनेला रिप्रेजेंट द मॉडिफिकेशन ऑफ, ट्रबेक्यूलेई जो स्लेजिनेला में प्रेजेंट होती है वो किसकी मॉडिफिकेशन है? पेरिसाइकल, एंडोडर्मिस, फ्लोएम या जाइलम। करेक्ट आंसर इज एंडोडर्मिस। ट्रबेक्यूलेई इज द मॉडिफिकेशन ऑफ एंडोडर्मिस। ए कैविटी फॉर्म बाय द डिसइंटीग्रेशन ऑफ प्रोटोजाइलम ट्रैकेट्स इन इक्विसिटम इज, जो कैविटी फॉर्म होती है प्रोटोजाइलम ट्रैकेट्स के डिसइंटीग्रेशन में इक्विसिटम में वो हमें बताना है, उसको क्या बोलते हैं? वेलिकुलर कैनल, कैरिनल कैनल, सेंट्रल कैविटी या एयर चैम्बर। करेक्ट आंसर इज कैरिनल कैनल। एजोला हैज़ बिकम इम्पॉर्टेंट इन एग्रीकल्चर बिकॉज इट इज़ बींग यूज एज ए, अजोला जो है एग्रीकल्चर में उसकी इम्पॉर्टेंट बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है वो हमें बताना है, क्योंकि उसे यूज़ किया जाता है एज ए बायो पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड्स, बायोफर्टिलाइजर या फॉडर की तरह। करेक्ट आंसर इज बायोफर्टिलाइजर। अजोला को बायोफर्टिलाइजर की तरह यूज़ किया जाता है। द नॉर्मल नंबर ऑफ नेक कैनल सेल्स इन द आर्किगोनियम ऑफ इक्विसिटम इज, 1 to 2, 2, 3 या 4। करेक्ट आंसर इज 1 to 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली नॉट फाउंड इन फर्न्स, इनमें से ऐसा कौन सा करेक्टर है जो जनरली फर्न्स में नहीं पाया जाता है वो हमें बताना है। सिरसिनेट, वर्नेशन, डिक्टियोस्टील, पिनेट लीव्स या जाइलम वेसल्स। करेक्ट आंसर इज जाइलम वेसल्स। जाइलम वेसल्स जो है वो फर्न्स में एबसेंट होती है। हाइग्रोस्कोपिक स्पून शेप्ड इलेटर्स आर फाउंड ऑन द स्पोर्स ऑफ, हाइग्रोस्कोपिक स्पून शेप्ड इलेटर्स जो है किसके स्पोर्स में पाए जाते हैं? इक्विसिटम, लाइकोपोडियम, टेरेस या साइकस के। करेक्ट आंसर इज इक्विसिटम। एम्फीफ्लोइक साइफनोस्टील इज फाउंड इन, एम्फीफ्लोइक साइफनोस्टील कहाँ पाई जाती है? मार्सीलिया, लाइकोपोडियम, स्लेजिनेला या साइलोटम में। करेक्ट आंसर इज मार्सीलिया। हेटरोस्पोरी इज करेक्टरिस्टिक ऑफ, हेटरोस्पोरी किसका करेक्टर है? लाइकोपोडियम, इक्विसिटम, ट्रायोप्टेरिस या स्लेजिनेला। करेक्ट आंसर इज स्लेजिनेला। हेटरोस्पोरी स्लेजिनेला का करेक्टर है। द रुडिमेंट्री सीड हैबिट हैज़ बीन अटेंड इन, रुडिमेंट्री सीड हैबिट किसने अटेन की है? साइलोटम, लाइकोपोडियम, स्लेजिनेला या इक्विसिटम। करेक्ट आंसर इज स्लेजिनेला। रुडिमेंट्री सीड हैबिट हैज़ बीन अटेंड इन स्लेजिनेला। द एक्वेटिक फर्न इज, इनमें से एक्वेटिक फर्न बताना है कौन सा है? लाइकोपोडियम, स्लेजिनेला, एजोला या टेरिस। करेक्ट आंसर इज एजोला। एजोला इज द एक्वेटिक फर्न। इन विच आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ जेनरा स्पोरोकार्प्स आर प्रेजेंट, इसमें किस जेनरा के पेयर में स्पोरोकार्प पाई जाती है वो हमें बताना है। मार्सीलिया एंड सेल्विनिया, मार्सीलिया एंड आइसोइटीज, सेल्विनिया एंड आइसोइटीज, मार्सीलिया एंड लाइकोपोडियम। करेक्ट आंसर इज मार्सीलिया और सेल्विनिया, इन दोनों में ही स्पोरोकार्प पाई जाती है। इन स्लेजिनेला द मेल गैमिट्स आर, स्लेजिनेला में मेल गैमिट्स कैसे होते हैं? ए फ्लैजलेट, मोनोफ्लैजलेट, बाईफ्लैजलेट या मल्टीफ्लैजलेट। करेक्ट आंसर इज बाईफ्लैजलेट। स्लेजिनेला में मेल गैमिट्स बाईफ्लैजलेट पाए जाते हैं। रेडली अरेंज एयर चैम्बर्स इन द कॉर्टेक्स एंड एम्फीफ्लोइक सोलेनोस्टील इज फाउंड इन राइजोम ऑफ, रेडली अरेंज एयर चैम्बर्स कॉर्टेक्स में और एम्फीफ्लोइक साइफनोस्टील राइजोम में ये चीज़ पाई जाती है किस पे वो हमें बताना है। स्लेजिनेला, इक्विसिटम, टेरिडियम या मार्सीलिया। करेक्ट आंसर इज मार्सीलिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हेटरोस्पोरस फर्न, इनमें से हेटरोस्पोरस फर्न हमें बताना है। लाइकोपोडियम, नेफ्रोलेपिस, मार्सीलिया, एडियंटम। करेक्ट आंसर इज मार्सीलिया। मार्सीलिया हेटरोस्पोरस फर्न है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज ऑफ लाइकोपोडियम इज एपिफिटिक इन नेचर, लाइकोपोडियम की स्पीशीज जो कि एपिफिटिक है वो हमें बतानी है। लाइकोपोडियम क्लेवेटम, लाइकोपोडियम स्टर्नम, लाइकोपोडियम सेरेटम या लाइकोपोडियम फ्लेगमेरिया। करेक्ट आंसर इज लाइकोपोडियम फ्लेगमेरिया, ये जो है एपिफाइटिक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एडर्स टंग फर्न, एडर्स टंग फर्न किसको बुलाया जाता है? साइथिया,
मार्सीलिया, ओफियोग्लॉसम या एडियंटम? करेक्ट आंसर इज ओफियोग्लॉसम। अजोला इंक्रीजेस सॉइल फर्टिलिटी ऑफ, एजोला सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है, किसकी फर्टिलिटी को वो हमें बताना है, वीट फील्ड, राइस फील्ड, बार्ले फील्ड या मेज फील्ड? करेक्ट आंसर इज राइस फील्ड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेरिडोफाइट्स हैज़ द लार्जेस्ट क्रोमोजोम नंबर? लार्जेस्ट क्रोमोजोम नंबर इनमें से किस टेरिडोफाइट में पाया जाता है वो हमें बताना है, ओफियोग्लॉसम, रेटिकुलेटम, लाइकोपोडियम, सरनम, स्लेजिनेला, एपस, एजोला, पिनाटा? करेक्ट आंसर इज ओफियोग्लॉसम, रेटिकुलेटम, इसमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग साइनोबैक्टीरिया फॉर्म सिम्बियोटिक एसोसिएशन विद एजोला? इनमें से ऐसा कौन सा साइनोबैक्टीरिया है जो कि सिम्बियोटिक एसोसिएशन एजोला के साथ करता है, एनाबीना, नोस्टॉक, ग्लोट्राइकिया, एल्यूरोसिया? करेक्ट आंसर इज एनाबीना। अजोला इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अजोला किसका एग्जाम्पल है वो हमें बताना है, टेरिडोफाइट, प्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म? करेक्ट आंसर इज टेरिडोफाइट, अजोला इज एन एग्जाम्पल ऑफ टेरिडोफाइट। वास्कुलर टिश्यूज आर प्रेजेंट इन, वास्कुलर टिश्यूज में किस पे प्रेजेंट होते हैं, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स, एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, फंजाई, एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स? करेक्ट आंसर इज टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, इसमें वास्कुलर टिश्यूज पाए जाते हैं। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ टेरिडोफाइट्स इज, टेरिडोफाइट की जो मेन प्लांट बॉडी है वो कैसी है, गैमेटोफिटिक, स्पोरोफिटिक, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव? करेक्ट आंसर इज स्पोरोफिटिक, मेन प्लांट बॉडी ऑफ टेरिडोफाइट इज स्पोरोफिटिक। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डज नॉट ग्रो नियर सी श्योर? सी श्योर के पास कौन से प्लांट्स ग्रो नहीं करते वो हमें बताना है, क्लेडोफोरा, कोकस, मॉस, इक्विसिटम और हॉस्टेल? करेक्ट आंसर इज इक्विसिटम, हॉस्टेल सी श्योर के पास ग्रो नहीं करते हैं। इन इक्विसिटम स्टेम वेलिकुलर कैनल्स आर प्रेजेंट, इक्विसिटम स्टेम में वेलिकुलर कैनल्स जो हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, बिलो फरोज, बिलो रिजिज, इन द सेंटर ऑफ द स्टेम, ऑल ओवर द स्टेम? करेक्ट आंसर इज बिलो फरोज, वेलिकुलर कैनल्स जो है इक्विसिटम के स्टेम में फरोज के नीचे पाए जाते हैं। द मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ राइजोफोर इन स्लेजिनेला इज, स्लेजिनेला के राइजोफोर का मॉर्फोलॉजिकल नेचर कैसा है वो बताना है, एज स्टेम, एज रूट, नाइदर स्टेम नॉर रूट, बोथ स्टेम एंड रूट? करेक्ट आंसर इज बोथ स्टेम एंड रूट, मॉर्फोलॉजिकली जो राइजोफोर है स्लेजिनेला का वो स्टेम और रूट दोनों की तरह बिहेव करता है। सिम्बियोटिक माइकोराइजल एसोसिएशन इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट? सिम्बियोटिक माइकोराइजल एसोसिएशन नीचे दिए गए किस प्लांट में पाए जाते हैं, एजोला, लाइकोपोडियम, इक्विसिटम, साइलोटम? करेक्ट आंसर इज एजोला। हिट्रोस्पोरी एंड सीड हैबिट इज बेस्ट नोन इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट? हिट्रोस्पोरी और सीड हैबिट नीचे दिए गए किस प्लांट में पाई जाती है वो हमें बताना है, इक्विसिटम, स्लेजिनेला, डायोप्ट्रिस या राइनिया? करेक्ट आंसर इज स्लेजिनेला। हिट्रोस्पोरी और सीड हैबिट दोनों हमें स्लेजिनेला में देखने को मिलती है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिडोफाइट इज एक्सटिंक्ट नाउ? इनमें से कौन सा टेरिडोफाइट है जो एक्सटिंक्ट हो चुका है यानी विलुप्त हो चुका है, स्लेजिनेला, ओरिगेना, राइनिया मेजर, इक्विसिटम, टेलमेचिया, ओफियोग्लॉसम, वल्गेटम? करेक्ट आंसर इज राइनिया मेजर, इट इज एन एक्सटिंक्ट टेरिडोफाइट। इन लाइकोपोडियम एक्टिनोस्टील इज प्रेजेंट इन द स्पीशीज, लाइकोपोडियम की किस स्पीशीज में एक्टिनोस्टील पाई जाती है वो हमें बताना है, लाइकोपोडियम सेरेटम, लाइकोपोडियम वॉल्यूबाइल, लाइकोपोडियम सरनम, लाइकोपोडियम एनोटिनम? करेक्ट आंसर इज लाइकोपोडियम सेरेटम, इसमें एक्टिनोस्टील पाई जाती है। द वेलिकुलर एंड कैरिनल कैनल्स आर फाउंड इन, वेलिकुलर और कैरिनल कैनल्स दोनों किसमें पाई जाती हैं, इक्विसिटम, मार्सीलिया, पाइनस या जियामेस? करेक्ट आंसर इज इक्विसिटम, वेलिकुलर कैनल और कैरिनल कैनल्स दोनों इक्विसिटम में पाई जाती हैं। द प्लांट ऑफ राइनिया ग्रो इन एरियाज वेयर वेपर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वर प्रेजेंट? इट इज़ अ फॉसिल प्लांट, और ये कहाँ ग्रो किया करते थे, जहाँ किस चीज़ के वेपर्स हुआ करते थे, अमोनिया, कार्बन मोनोक्साइड, ओजोन या सल्फर? करेक्ट आंसर इज सल्फर, राइने के प्लांट उसी जगह ग्रो किया करते थे जहाँ सल्फर के वेपर्स पाए जाते थे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट पार्ट। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।